सो हेलो गाइज, वेलकम टू द क्रिकेट सुपर फैंस। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2020 के बारे में, जो कि इस वीडियो में आज हम बताने वाले हैं उन पांच बड़े खिलाड़ियों के बारे में जिन्हें चेन्नई सुपर किंग्स की टीम उनके खराब फॉर्म के चलते आईपीएल 2020 के लिए अपने टीम से रिलीज कर देगी, यानी कि कर देगी अपनी टीम से बाहर आईपीएल 2020 के लिए। तो गाइज वो कौन से बड़े बड़े खिलाड़ी जिन्हें चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आईपीएल 2020 के लिए अपनी टीम से बाहर कर देगी, तो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहे, पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो के स्पॉन्सर क्या है नोस्ट्रा प्रो ऐप ने, जो कि कमाल का ऐप है पावर्ड बाय पेटीएम। आप सभी लोग बड़े ही आसानी से पैसे कमा सकते हैं कुछ इजी और सिंपल क्वेश्चन के जवाब देकर, जैसे कि कौन सी टीम जीतेगी यह मैच, कौन सी टीम हारेगी यह मैच और कौन सी टीम कितना ज्यादा रन स्कोर करेगी। तभी इसे आपको डाउनलोड करिए, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। डाउनलोड करते ही आपको ऑलरेडी 100 रुपये बोनस में मिल जाएंगे। अगर हम बात करें तो इंडियन प्रीमियर लीग के बराबर सीजन यानी कि आईपीएल 2019 में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम एक बार फिर से आईपीएल के फाइनल में पहुंच गई थी, लेकिन मुंबई इंडियंस के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को सिर्फ एक रन से हार का सामना करना पड़ा, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स के लगभग सारे ही गेंदबाजों ने आईपीएल 2019 में काफी शानदार गेंदबाजी की थी। तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स के कुछ ऐसे भी बल्लेबाज थे जिन्होंने काफी मायूस किया अपने बल्ले से और कुछ ज्यादा खास नहीं कर पाए थे, जो कि महेंद्र सिंह धोनी। तो वहीं इसके बाद फाफ डुप्लेसी जैसे बल्लेबाजों ने काफी शानदार बल्लेबाजी की थी। दोस्तों अगर हम बात करें उन पांच बड़े खिलाड़ियों के बारे में जिन्हें चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आईपीएल 2020 के लिए अपनी टीम से रिलीज कर देगी, तो यहां पर नंबर एक पर नाम आता है सैम बिलिंग्स का, जो कि इन्हें चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में एज अ सेकंड विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर टीम में शामिल किया गया था, लेकिन आईपीएल 2019 में सिर्फ एक ही मैच खेले थे और एक मैच में एक भी रन नहीं बना पाए थे अपने बल्ले से, और बीच आईपीएल में ही आईपीएल को छोड़कर अपने कंट्री वापस लौट गए थे, जो कि इन्हें इंजरी हो गई थी। तो वहीं आईपीएल 2018 में भी इन्हें कई मौके मिले थे लेकिन कुछ ज्यादा खास नहीं कर पाए थे अपने बल्ले से। ऐसे में यह लगभग तय माना जा रहा है कि सैम बिलिंग्स को आईपीएल 2020 के लिए अपने टीम से रिलीज कर सकती है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम, और इनकी जगह पर किसी जबरदस्त दूसरे खिलाड़ी को टीम में शामिल कर सकती है आईपीएल के ऑक्शन से। अब दोस्तों अगर हम बात करें नंबर दो की, तो नंबर दो पर नाम आता है डेविड वेली का, जो कि ये भी एक जबरदस्त इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं, लेकिन ये भी आईपीएल को धोखा देते हुए जा रहे हैं पिछले 2 सालों से। जहां आईपीएल 2018 में 3 मैच में खिलाया गया था लेकिन 3 मैच में काफी ज्यादा महंगे साबित हुए थे, तो वहीं सिर्फ 2 विकेट ही चटका पाए थे और बीच आईपीएल में ही आईपीएल को छोड़कर अपने कंट्री यानी कि इंग्लैंड वापस चले गए थे और आईपीएल 2019 के स्टार्टिंग से ही बाहर हो गए थे इंजरी के चलते। ऐसे में यह भी लगभग तय माना जा रहा है कि डेविड वेली को भी आईपीएल 2020 के लिए अपनी टीम से रिलीज कर देगी सीएसके की टीम, और इनकी जगह पर किसी जबरदस्त दूसरे खिलाड़ी को टीम में शामिल कर लेगी। अब अगर हम बात करें तीसरे खिलाड़ी के बारे में, तो नंबर 3 पर नाम आता है करण शर्मा का। जी हां, जो कि करण शर्मा को काफी टाइम से मौके नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में ये साफ जाहिर है कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इन पर इतना ज्यादा भरोसा नहीं जता रही है, जो कि आईपीएल 2018 में इन्हें काफी मौके मिले थे लेकिन कुछ ज्यादा खास नहीं कर पाए थे अपने बल्ले या फिर अपने गेंद से। तो वहीं आईपीएल 2019 में भी इन्हें सिर्फ एक मैच में मौका मिला था और एक मैच में खेले थे लेकिन काफी ज्यादा महंगे साबित हुए थे, जो कि अपनी गेंद से सिर्फ एक ही विकेट छटका पाए थे। तो ऐसे में करण शर्मा को भी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अपनी टीम से रिलीज कर सकती है आईपीएल 2020 के लिए। अब अगर हम बात करें चौथे खिलाड़ी के बारे में, तो नंबर 4 पर नाम आता है स्कॉट कोगलिजियन का, जो कि एक जबरदस्त तेज गेंदबाज है, जो कि आईपीएल 2019 में इन्हें सिर्फ 2 मैच में खिलाया गया था और 2 मैच में काफी ज्यादा महंगे साबित हुए थे, जो कि अपनी गेंद से सिर्फ 2 ही विकेट छटका पाए थे। ऐसे में इन्हें भी आईपीएल 2020 के लिए अपनी टीम से रिलीज कर सकती है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। अब अगर हम बात करें पांचवें और आखिरी खिलाड़ी के बारे में, तो यहां पर नाम आता है काफी हैरान करने वाला नाम, जो कि शेन वाटसन का। जी हां, जो कि शेन वाटसन की एज अब काफी ज्यादा हो गई है और अभी हाल ही में बिग बैश लीग से इन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान भी कर दिया था। ऐसे में यह खबर काफी वायरल हो रही थी कि शेन वाटसन का यह आईपीएल का आखिरी सीजन है, यानी कि आईपीएल 2019 के बाद नहीं खेलेंगे, लेकिन दोस्तों अभी तक ऐसी कोई भी पक्की रिपोर्ट नहीं आई है कि आईपीएल 2020 से पहले ही शेन वाटसन रिटायरमेंट ले लेंगे, और उम्मीद यही है कि आईपीएल 2020 भी खेलेंगे शेन वाटसन। अगर वो रिटायरमेंट का ऐलान करते हैं तो आपको हमारे चैनल में सबसे पहले मिल जाएगी। तो गाइस फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार अपनी राय जरूर दें।